हेलो, मैं बढ़िया हूँ। तुम बताओ, आप कैसे हो? वेरी नाइस टू टॉक टू यू सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, कैसा लग रहा है आपको? मतलब आपने सीजीएल, जो इतना टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी के बाद, इसमें रैंक 1 हासिल की है, मतलब कैसा फील हुआ आपको? फील तो अभी सर मतलब सिंकिंग नहीं की है ऑनेस्टली बताऊं तो, लेकिन अच्छा लग रहा है। इससे ज्यादा खुशी है कि मुझे ASY NME जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था वो मिल गया है। मैंने उसी के लिए इस एग्जाम को लिखी थी। आपको तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना ही था, आपकी तो रैंक 1 है। आपने पहला ASY NME ही चूज किया, वही आपको मिल गया। आपने ASY NME ही क्यों चूज करा है? जब मैंने सारे जॉब्स के प्रोफाइल देखे मोटा मोटी, तो मुझे सबसे अपीलिंग अपने पर्सनल रीजंस की वजह से यही लगा। इसमें एक तो आप फॉरेन पोस्टिंग रहती है, आपकी पेरेंट्स भी मतलब काफी इसके फेवर में थे कि हाँ, क्योंकि अब ग्लोबल एक्सपोजर इम्पोर्टेंट हो गया है मेरे हिसाब से। और आप इंडिया में रह के, आप बाहर रह के देश की सेवा करेंगे। अगर आप बाहर रहेंगे तो डायस्पोरा से काफी कनेक्टेड रहेंगे, वहां पे वहां के लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे, तो वो मुझे काफी अपीलिंग लगा। अच्छा, आपका नाम हर्ष वर्मा है कि हियर्ष वर्मा है? सर मैं लिखता तो HEA हूँ, लेकिन हाँ, प्रोनाउंस्ड हर्ष ही होता है, हर्ष वर्मा हर्ष वर्मा। तो फिर ये जी। HEA कैसे हो गया? वो स्टार्टिंग से ही मेरे फादर ने वैसे करवाया था। अच्छा, फादर वैसे जोक करते हैं कि अगर तुम HA लिखते हैं तो कोई तुमको हर्ष हर्ष ना बुलाए तो तो HEA ही लिखो, हर्ष हो जाएगा फिर। पापा ने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। हाँ, जी जी सर, कौन से स्टेट से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ सर। अच्छा, आप दिल्ली से हो। आपकी एजुकेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपने ग्रेजुएशन में क्या करा है भाई? मैंने सर BTECH किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, हैदराबाद से। हैदराबाद से? मुझे लगा ही, आपकी इंग्लिश भी बहुत बढ़िया है पहले से। अच्छा, प्रॉपर दिल्ली के ही हो? हाँ जी सर, हम लोग दिल्ली के हैं, लेकिन फादर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तो हम लोग हैदराबाद में रहते थे। ओके, अब ये फाइनली ASY NME, तो ये वाली मनचाही जॉब है आपके मन की? जी, ये तो मतलब हम लोग लाइफ लॉन्ग इसी में रहना है, इसी में ग्रो करूंगे। आपको भी यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्योंकि सारे टॉपर्स रैंक 1 या जिस जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, सब यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं एसएससी के बाद। हालांकि करते हैं उसमें से 10% ही हैं, पर करना सभी चाहते हैं। तो आप भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे? सर अभी मुझे मालूम नहीं है कि कितना टाइम मिलेगा, क्या एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक मिल ही जाएगा। फ्रेंड्स वगैरह होंगे काफी जो UPSC की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ डिसाइड तो नहीं किया सर मैंने। अच्छा, आपने ये जो मैथ्स कंसेप्ट किंग वाली बुक थी, इसमें तो सारे कंसेप्ट्स लिखे हुए, रिवीजन के लिए इस्तेमाल की थी? जी सर, वो मैंने रेफर की थी और मुझे काफी अच्छी लगी, तो जब मुझे ये रैंक आ गया कि हाँ भाई बोल सको कि ऐसे ये काम हुआ है, तो मुझे लगा कि इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए, कि क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो भी अच्छे एफर्ट्स होते हैं उनको मतलब बढ़ावा देना चाहिए, ताकि रिव्यू आपको मिलती रहे ऐसा कि हाँ लोग प्रेफर इसको कर रहे हैं और इसको पढ़ने वाले को अच्छे रैंक्स भी आ रहे हैं। तो वैसे सर मैं आपके वीडियोस रेफर करता था। बाय एंड लार्ज तो मैं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे मैथ्स में ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। ऑफकोर्स कुछ जैसे इम्पोर्टेंट मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट हो गए, या ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हो गए, हाँ, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट हो गए। मैं आपके वीडियोस देखता था जिसमें आप कहते थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स में। अरे यार, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट फेवरेट है मेरा। जी सर, तो मैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट वीडियोस काफी देखे हैं मैंने जो आपने बताए हैं, तो वो मुझे मतलब जो शॉर्टकट्स हो गया ना, जैसे कि आपने 10 ईयर्स का बता दिया कितना इंटरेस्ट हो गया, 10% के हिसाब से, सॉरी 2 ईयर्स का 10% के हिसाब से इतना हो गया, 3 ईयर्स के हिसाब से इतना हो गया, तो वो तो मुझे आइडिया था नहीं। ऑफकोर्स मैं मैथ्स का था तो कर ही लेता, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाता, जो कि SSC के एग्जाम में तो मतलब वो टाइम बाउंड तो करना इम्पोर्टेंट है ही। तो वो वीडियोज मैंने देखे, फिर आप काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा देते थे, तो उसी में मुझे समझ में आ गया कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपकी वीडियोस का काफी इम्पोर्टेंट योगदान रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार आपको जरूर कॉन्टेक्ट करना चाहिए, थैंक्स बोलने के लिए। वेलकम भाई। मैं मुझे भी अच्छा लगा कि आप यूट्यूब की हमारी वीडियो से अगर पढ़ के रैंक 1 निकालें। आपके इतना आपको लगा कि स्पीड बढ़ रही है, तो इससे बढ़िया मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। आपका मैथ्स में टोटल स्कोर कितना बना 90 में से? सर मेरे एक ही गलत हुआ है, सो इट मस्ट बी 86। प्रोबेबिलिटी वाला गलत हुआ है ना। फाइनली आपको करना अब यही है, जी, ASY NME है। जी, वो तो मेरा मन जाना फर्स्ट टाइम। ओके, तो आप दिल्ली के ही हो, तो हम यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, मिलते हैं किसी दिन। जी सर बिल्कुल, व्हेनेवर यू कॉल मी। मैं एक्चुअली अभी उत्तराखंड में हूँ, है ना, तो अगर आप कहें तो मैं सैटरडे संडे को कभी फ्री रहे तो आप मुझे बुला लें, मैं आ जाऊंगा सैटरडे संडे को।
हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी सैटरडे को। अभी तो आप छुट्टी लेके मत आइए, वहीं काम करिए। सैटरडे संडे को जब आपकी छुट्टी होगी तो मिल लेते हैं, केयरविल ऑफिस में ही मिल लेते हैं एक बार। सैटरडे को मुलाकात करते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई। मैं तो ये सोच रहा था कि रैंक वन कहाँ है, मतलब सारे रैंक फोर, रैंक 19, सभी के फोन हमारे पास मतलब आ चुके हैं, बच्चे भेजते हैं। क्योंकि जब बच्चा सिलेक्ट होता है ना तो सबसे पहले मम्मी पापा को बताता है, फिर टीचर को बताता है, फिर बाद में दोस्तों को बताता है। और अब एक दिन पूरा बीत गया तब जाके अब आपका मैसेज आया है। ओके भाई। अच्छा, द पंडित्स ग्रुप से कनेक्टेड थे आप? द पंडित जी, मैं उसमें हूँ जी, मैं पंडित ग्रुप में हूँ। लेकिन मैंने तो उसमें काफी कोशिश की कि प्राइवेट ग्रुप में जा सकूं, लेकिन इतने मतलब 5 मिनट में उसके स्लॉट फिल अप हो जाते तो मुझे मिला ही नहीं। हाँ, क्योंकि नवशोम ना वो जो द पंडित ग्रुप चलाते हैं, रन करते हैं, वो सारे टॉपर स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं। नहीं चलो, बहुत अच्छी बात है। आप पहले फैमिली के साथ एंजॉय करो, सैटरडे को मिलते हैं दिल्ली में ही। जी सर, ओके ओके, ठीक है। टीम कोऑर्डिनेट करेगी हमारी। ओके सर, और एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भाई रैंक वन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम यार। थैंक यू, ओके सर, ओके भाई।